मुझे तो गद्दारी बोला है, कौन सी गद्दारी करती? इसका मतलब तो उनके अंदर दम नहीं है मनोहर लाल को हटाने का। साथी हैं जिनने हमें सांसद बना के भेजा, ये वही साथी है जिनने विधायक बना के भेजा। आज उनके मन में कोई गिला शिकवा है वो विरोध करके दूर कर लेगी, हमारे ही हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कह दिया कि उसका पहल कोई करेगा तो घर का मुखिया करेगा। राजनीतिक रास्ते इनेलो से बाहर निकाले जाने के बाद अलग हुए थे, ना कि इनेलो में रहकर अलग हुए। क्या इनेलो का झंडा डंडा लेके पार्टी तोड़ के हम बाहर गए? सत्यानाश इनेलो का किया था, ना कि हमने किया। हमने तो जननायक जनता पार्टी बनाई और बड़े अच्छे तरीके से। उनकी भाषा, उनकी सोच, उनकी शैली मेरे से अच्छी आप जानते हो। मुझे तो गद्दारी बोला है, कौन सी गद्दारी करती? इनेलो की तरह नहीं, जो चुनाव लड़ने से डरती है और कहती है कि भाई इसको हराने के लिए लड़ दो। इसका मतलब तो उनके अंदर दम नहीं है मनोहर लाल को हराने का। राजनीतिक तौर पर पार्टी की दिशा वही है जिस पर पिछले 5-5.5 सालों से काम हुआ है और आगे भी पार्टी को उसी प्रकार से ले जाने का हम काम करेंगे। इनेलो में सर जो शामिल होने की बात चल रही है, किसी तरह की शामिल होने की बात नहीं। आप जैसे एक पत्रकार साथी ने पूछ लिया कि क्या परिवार एक हो सकता है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कह दिया कि उसका पहल कोई करेगा तो घर का मुखिया करेगा, ना मैं कर सकता ना वो कर सकता। लेकिन वो तो और उसको पेश इस तरह आप लोग कर देते हो कि कल एक हो गए। राजनीतिक रास्ते इनेलो से बाहर निकाले जाने के बाद अलग हुए थे, ना कि इनेलो में रहकर अलग हुए। लेकिन वो तो आपको, और मैं एक चीज बोल देता हूँ, मुझे उनकी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। उनकी भाषा, उनकी सोच, उनकी शैली मेरे से अच्छी आप जानते हो। मुझे तो गद्दारी बोला है, कौन सी गद्दारी करती? क्या इनेलो का झंडा डंडा लेके पार्टी तोड़ के हम बाहर गए? हमने तो झंडा भी छोड़ा, डंडा भी छोड़ा। अब वो डंडा चलाने का काम करते, हम तो डंडा नहीं चला सकते। 4.5 साल के शासन में किसी एक आदमी को बताओ जो कहता हो कि हमने डंडा चलाया। वो उनकी सोच, उनकी भाषा है, उसको कोई नहीं बदल सकता। और उनकी सोच, उनकी भाषा ने और उनके चेले चमटों ने सत्यानाश इनेलो का किया था, ना कि हमने किया। हमने तो जननायक जनता पार्टी बनाई और बड़े अच्छे तरीके से प्रदेश को 4.5 साल का शासन दिया। क्या कोई केरल कर्नाटक से आके विरोध कर रहा है? क्या कोई बिहार बंगाल से आके विरोध कर रहा है? जम्मू कश्मीर से, गुजरात से आके विरोध कर रहा है? ये वही साथी हैं जिनने हमें सांसद बना के भेजा, ये वही साथी है जिनने विधायक बना के भेजा। आज उनके मन में कोई गिला शिकवा है वो विरोध करके दूर कर लेगी, हमारे ही हैं। क्या इतनी सहनशीलता भी हमारे में नहीं है कि हम विरोध झेल पाए? आज के दिन आपका विरोध करने वाला आपका सबसे बड़ा क्रिटिक है। तो ये कह रहे हैं कि 4.5 साल हम बीजेपी के साथ रहे, उसका खामियाजा जो है हमें भुगतना पड़ेगा। क्या दिक्कत है? क्या सरकार में हमने कदम अच्छे नहीं उठाए? उसके विरोध में कोई विरोध करता है तो विरोध तो भुगतना पड़ेगा, छोड़ कैसे सकते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाएंगे? फिर कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? जिन लोगों का उत्थान किया है उनकी सोच को क्या हम कमजोर करेंगे? राजनीतिक तौर पर पार्टी ने निर्णय लिया, 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़नी है, मजबूती के साथ लड़ेंगे। आपके करनाल की भी लड़ेंगे, और ये विश्वास दिला देता हूँ कि करनाल में इनेलो तो छोड़ जाए मैदान, और कोई पार्टी छोड़ दे, जेजेपी मैदान नहीं छोड़े, इस चुनाव को लड़ेगी मजबूती के साथ। लेकिन आपके चाचा अभय सिंह ये कह रहे हैं कि सारी पार्टी इकट्ठे होकर। मेरा चाचा नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, जिस पार्टी का जनाधार इस बात पे टिक जाता है कि हम चुनाव छोड़ देंगे, उस पार्टी को यह पता है कि उसके 5,000 वोट पर लेनी है। आज हमारे रोहतक के अंदर 22,000 वोट आए थे पिछले चुनाव, मैं ये मानता हूं उसके 6 गुना से ज्यादा वोट हम लेंगे। करनाल सीट में आम आदमी पार्टी लड़ी थी, 22-24 हजार आए थे अलायंस में। आज के दिन उसके टारगेट को 8-10 गुना कर पार्टी के कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ दिखानी, ये हमारा टारगेट है। इनेलो की तरह नहीं, जो चुनाव लड़ने से डरती है और कहती है कि भाई
इसको हराने के लिए लड़ दो, इसका मतलब तो तू उनके अंदर दम नहीं है मनोहर लाल को हराने का। मैं तो ये मान सकता हूँ कि मनोहर लाल खट्टर को अच्छा उम्मीदवार हरा सकता है और जननायक जनता पार्टी अच्छा उम्मीदवार। सर एक बयान दिया था अभय चौटाला से, आपका सवाल पूछा था, आपने बोला था कुरुक्षेत्र से 1,00,000 वोट लेके दिखाए, तो इसमें वो भड़क गए, आपको भी धमकी दी और मुझे भी धमकी दी उन्होंने, तो उनका काम क्या है? आप खुद कह रहे हो आपको धमकी दी, इन्हेलो का सत्यानाश इस धमकी ने तो किया, और ये धमकी चलती रहे हमारे उतना ही फायदा है।